मेडिटेशंस किताब असल में रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस के पर्सनल नोट्स का कलेक्शन है जो वो रोज रात को खुद के लिए लिखते थे, और ये बात है करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी, और वो ये नोट्स अपने दिन भर के एक्सपीरियंसेस के बेस पर लिखते थे। तो आज मैं आपको मेडिटेशंस बुक से ही बताऊंगा कि मार्कस ऑरेलियस ने उसमें क्या लिखा, आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से सोचते थे और हम उनके प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। सबसे पहला बिग आइडिया जिस पर मार्कस ऑरेलियस खास तौर पर फोकस करते थे वो ये कि जब भी आप किसी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से स्ट्रेस्ड महसूस करते हो तो दर्द का लेवल उस इवेंट पर नहीं बल्कि आपका माइंड उसे कैसे इंटरप्रेट करता है इस बात पर डिपेंड करता है। ये सच है कि कई बार सिचुएशन उतनी पेनफुल नहीं होती जितना हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करके बना देता है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपके मन में भी ऐसी ही बातें कई बार आती होंगी, लेकिन मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि ऐसा हर किसी के साथ हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। लेकिन आप अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग को उन चीजों को सही इंटरप्रेट करने के लिए ट्रेन करना होगा। अगर आपको दोस्ती में, रिश्तों में या बिजनेस में धोखा मिले तो दूसरे पर्सन के लिए नफरत ना पालो। याद रखो कि ये दुनिया धोखा देने वालों से भरी हुई है। ऐसे में अगर आप सोचते हो कि आपको धोखा देने वाला कोई मिले ही ना तो ये आपकी बेवकूफी है। इसलिए आप उस धोखे का असर केवल एक्सटर्नल वर्ल्ड तक ही रहने दो, उसको अपने सोल पर ना पड़ने दो। कुछ टाइम बाद आप खुद ही बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल को पार कर लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। मार्कस ने सिलसिले में कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं और मेरे साथ क्या करते हैं, मेरा काम है अपनी अच्छाई को बचाए रखना। बदला लेने का सबसे नोबल तरीका यही है कि आप अपने दुश्मन जैसा ना बनो। इस किताब में बताया गया दूसरा बिग आइडिया है कि आपके माइंड को कंट्रोल करने की पावर आपके पास है, ना कि एक्सटर्नल इवेंट्स के पास। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमारा ब्रेन कितना बड़ा इंटरप्रेटर है, वो एक ही चीज को कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपके ब्रेन का रिमोट आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आप अपने दिमाग का कंट्रोल एक्सटर्नल चीजों पर छोड़ दोगे तो जब चाहे कोई भी आपको दुखी कर देगा, गुस्सा दिला देगा। लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया कि आपको खुश रहना है, गुस्सा नहीं करना है, तो आपको दुनिया की कोई भी चीज दुखी नहीं कर सकती। इमेजिन कीजिए कि आपको कहीं जाना है और बारिश आ गई, या तो आप उस पर नाराज होकर मन ही मन दुखी होना चूज कर सकते हो, या फिर अपनी बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की के साथ बारिश की बूंदों का मजा लेना। चॉइस आपकी है। मार्कस ऑरेलियस ने इस पर कहा है कि वो सभी चीजें जो हमें दुखी करती हैं उनसे दूर जाकर बैलेंस की स्टेज को पाना बहुत आसान है। ये सिंपली हमारे इंटरप्रिटेशन और चॉइसेस पर डिपेंड करता है। इस बुक में बताया गया तीसरा बिग आइडिया है कि जब कोई आपसे नफरत करता है, आपको ब्लेम करता है या क्रिटिसाइज करता है, तो नफरत के बदले नफरत करने से पहले उसके अंदर झांक कर देखो कि असल में वो इंसान कैसा है। हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी हेट्रेड और क्रिटिसिज्म जैसे सिचुएशंस को फेस किया होगा। किसी के कहे तीखे शब्द कानों में पड़ते हैं तो गुस्सा तो बहुत आता है, दुख भी होता है। लेकिन जब कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो गुस्सा होना या दुखी होना क्या ठीक है? अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो सही है, आप में वाकई कोई कमी है तो उसे सुधार लो, हो सकता है कि वो आपके फायदे के लिए कह रहा हो। ऑरेलियस ने कहा है कि बी ऑलवेज रेडी टू बी करेक्टेड, यानी कि आपको सुधार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरी सिचुएशन यह हो सकती है कि कोई आपको बिना मतलब ही क्रिटिसाइज कर रहा है। इस कंडीशन में भी आपको नफरत और गुस्से की बजाय ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं सामने वाले की लाइफ में कोई कमी है, उसके मन पर कोई बोझ है जिसके कारण वो लोगों को क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि एक सक्सेसफुल और हैप्पी इंसान केवल एडवाइसेस देता है, क्रिटिसिज्म नहीं। आप खुद ही सोचें कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कभी गवर्नमेंट या लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि जो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पाए वो ही सबको क्रिटिसाइज करते फिरते हैं। आप ये गौर करना कि आपसे ऊपर वाला कभी भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, जो आपसे कम सक्सेसफुल है वही आपको क्रिटिसाइज करेगा। लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। YouTube कम्युनिटी में ही देख लीजिए, जो सही और सक्सेसफुल लोग हैं वो किसी को कमेंट में बुरा भला नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वो जमाने भर के उल्टे सीधे कमेंट्स करते फिरेंगे। इसलिए जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं उन पर नाराज होने के बजाय उन पर रहम करो, माफ करो और आगे बढ़ जाओ। चौथा बिग आइडिया यह है कि जो लोग अपने पड़ोसियों और आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान ना देकर अपने आप पर ध्यान देते हैं, उन्हें कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए काफी टाइम मिल जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो अपना ज्यादातर टाइम गॉसिप और बुराइयों में वेस्ट करते हैं। पड़ोसी की बेटी यहाँ गई, उसका बेटा वहां गया, वो उसके साथ घूमता है। इन सब बातों के बारे में मार्कस का कहना है कि जब आप इन फिजूल की बातों का समय बचा लोगे तब आपको एहसास होगा कि खुद को समझने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए और कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है। लोग फोन पर या ऑफिस में यहाँ वहां की बातें करके, वीडियो गेम्स खेलकर समय बिताकर कहते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज करने और बुक्स पढ़ने जैसी चीजों के लिए टाइम ही नहीं है।
ऐसे लोगों के लिए मार्कस का कहना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जानकर आपकी लाइफ में कुछ नया और अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए गॉसिप से बेटर है कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो। तो ये तो हो गए मेडिटेशन बुक के चार बिग आइडियाज। अब इस बुक से अगली जो पांच बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ये पांच प्रैक्टिसेस हैं जो मार्कस डेली करते थे। नंबर वन है कॉन्टेम्पलेटिंग द सेज, यानी किसी आइडियल पर्सन के बारे में सोचना। यह प्रैक्टिस बेसिकली लाइफ के मुश्किल डिसीजंस को आसान बनाने के लिए है। मार्कस खुद भी अपने हर बड़े फैसले से पहले इस स्टेप को फॉलो करते थे। वो खुद से पूछा करते थे कि इस कंडीशन में स्टोइसिज्म के फाउंडर और उनके गुरु ज़ेनो क्या करते। जैसे मार्कस के आइडियल ज़ेनो थे, वैसा आपका भी कोई आइडियल होगा। आप कोई भी फैसला लेते समय उसे ध्यान में रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपने 2.0 वर्जन को भी, यानी कि अपने आपके पॉजिटिव वर्जन को भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा करके आप खुद को अपनी प्रॉब्लम से अलग कर लेते हो, जिसके कारण आपके इमोशन और जजमेंट उस फैसले के बीच में नहीं आते। तो जब भी आपको लाइफ में कुछ मुश्किल फैसला लेना हो, तो रात को सोने से पहले कुछ समय अपने आप के लिए निकालो और खुद से सवाल करो कि मेरा 2.0 वर्जन इस सिचुएशन में क्या करता, या मेरा वो आइडियल इंसान इस सिचुएशन में क्या करता। सेकंड प्रैक्टिस है थोड़ा जूम आउट करो और दुनिया को एक बड़े पर्सपेक्टिव के साथ देखो। हम अक्सर कंप्लेन मोड में रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा होता है, हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं, कितनी घिसी पिटी है हमारी लाइफ। हमारे मन में ऐसे थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि हम दुनिया को एक बहुत छोटे से व्यू में देखते हैं। लेकिन जब हम जूम आउट करके इसका बड़ा व्यू देखेंगे, तो समझ पाएंगे कि दुनिया में हमसे कहीं ज्यादा दुखी लोग हैं। उनका स्ट्रगल हमारे से बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी वो लोग थैंकफुल हैं। जिस तरह फोटो लेते समय हम जूम आउट करते हैं तो ऐसी कई चीजें दिखती हैं जो पहले नहीं दिख रही थी, वैसे ही जब हम दुनिया के लिए अपने पर्सपेक्टिव को जूम आउट करते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी बातें समझ आने लगती हैं जिनसे अभी तक हम अनजान थे। जब भी आपके मन में आए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो जूम आउट करना मत भूलना, आपकी शिकायत ग्रेटिट्यूड में बदल जाएगी। थर्ड प्रैक्टिस है खुद को थर्ड पर्सन की तरह इमेजिन करो। आपने पबजी तो खेला होगा, टीपीपी मोड में खेला होगा, उसमें कैसे आप अपने कैरेक्टर को थोड़ा दूर से देखते हो और उसको जीत दिलाने के लिए उसके हर पाव को समझते हो और समय आने पर उसका इस्तेमाल भी करके अपने दुश्मनों को खत्म कर देते हो। बस आपको अपनी लाइफ को भी ऐसे ही वीडियो गेम की तरह ही देखना है। अपने आपको थर्ड पर्सन की तरह देखकर ही हर सिचुएशन का जायजा लेना है, ना किसी इमोशन को बीच में आने देना है, ना ही प्रीकॉन्सेप्शंस को। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को बेहतर ढंग से समझ पाते हो और फिर आप आसानी से उन पर काम करके अपनी लाइफ के गेम में खुद को जीत भी दिला सकते हो। फोर्थ प्रैक्टिस है एक्सरसाइज करो। आपने हजारों लोगों से हजारों बार सुना होगा कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहता है। मार्कस भी इस बात को रिकमेंड करते हुए कहते थे कि एक शांत और हेल्दी माइंड के लिए एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का डेली रूटीन देख लो, सभी ने एक्सरसाइज के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त जरूर निकाला है। एक्सरसाइज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाकर हमारे हर सेल को रिफ्रेश्ड फील करवाती है। इसलिए लेजीनेस को छोड़ो और वर्कआउट शुरू करो। नंबर 5 है मेडिटेट करो। इस बिजी और शोर शराबे भरी मॉडर्न लाइफ में अपने दिमाग को शांत और फोकस्ड रख पाना बहुत मुश्किल। ऐसे में मेडिटेशन आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप अपने डेली रूटीन में से एटलीस्ट 15 मिनट भी मेडिटेट करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको सेल्फ कंट्रोल आ गया है। आप लिखकर भी मेडिटेट कर सकते हो जैसा मार्कस करते थे। भले ही आप इमोशनल फील नहीं कर रहे हो, थका थका हुआ फील कर रहे हो, तो भी आप सोचो कि आप कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हो, क्या सेंस कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। 15 मिनट्स का टाइमर लगाओ और उन 15 मिनट्स में जितना हो सके नॉन स्टॉप बस लिखते ही जाओ। जब तक टाइमर बंद ना हो जाता है तब तक आपको रुकना नहीं है। 15 मिनट्स बाद आप देखोगे कि आप कितना अच्छा फील कर रहे हो, कितना लाइट फील कर रहे हो। ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी गलतियों को समझने का और हर छोटी से छोटी सक्सेस के लिए खुद को कांग्रेचुलेट करने का। मार्कस का कहना है कि अगर आप छोटी से छोटी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करते हो, खुद को रिवॉर्ड देते हो, तो आपके ब्रेन को और ज्यादा हार्डवर्क करने की इंस्पिरेशन मिलती है। इसलिए रोज शाम को पूरे दिन को रिव्यू करो, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने पूरे दिन के इवेंट्स को लिख सकते हो। ऐसा करने से आपका मन काफी हल्का हो जाएगा। तो इन सभी प्रैक्टिस से आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लेकिन तीन मेजर बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी। जब आप अपने दिन को रिव्यू करने लगोगे तो आपको सभी चीजें साफ साफ समझ में आने लगेंगी। साथ ही आपको जूम आउट करके सिचुएशन को देखना भी आ जाएगा। इन सभी क्वालिटीज के साथ आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाओगे। अगर फिर भी आप कहीं अटक गए तो खुद से पूछ लीजिए कि ज़ेनो इस सिचुएशन में क्या करते, या जिसे भी आप आइडियल पर्सन मानते हो आप खुद से पूछे कि वो पर्सन आपकी सिचुएशन में होता तो वो क्या करता। नंबर 2 है आपकी लाइफ में ट्रैंक्विलिटी यानी शांति आ जाएगी। सही डिसीजन, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ये सब मिलकर आपकी लाइफ में एक ठहराव लाएंगे जिससे आप शांति महसूस करोगे। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका हर छोटी छोटी बात के लिए घबराना कम हो गया है, गुस्सा कम हो गया है, लोगों से शिकायतें और गुस्से के बजाय आप थैंकफुल हो गए हो। आप लाइफ में बुरी चीज़ों को इग्नोर करके भी अच्छी चीज़ों का जश्न मनाना सीख गए हो।
और तीसरा बेनिफिट ये होगा कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। जब आप एक शांत लाइफ जीते हो, अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखते हो, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाता है। आप लाइफ के हर एस्पेक्ट को बैलेंस करना सीख लेते हो। सक्सेस, फैमिली, फ्रेंड और पर्सनल लाइफ सभी सही ट्रैक पर चलती है। तो दोस्तों, यदि कुछ बातें फ्रॉम द बुक मेडिटेशन बाय मार्कस ऑरेलियस, अगर आपको इस वीडियो पर की गई रिसर्च और मेहनत पसंद आई हो, तो लाइक करके आप मुझे इनकरेज कर सकते हो। ऐसी ही और इंस्पायरिंग बुक समरीज सुनने के लिए डाउनलोड कर सकते हो आप ये बुक ऐप, जहां पर हमने सैकड़ों इंस्पायरिंग बुक्स को समराइज कर दिया है हिंदी में बहुत इजी लैंग्वेज में। उस पर डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट कूपन डिस्क्रिप्शन में है और ऐप का लिंक भी। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।